गीता में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने बृहत रूप को अर्जुन को दिखाया था तो उन्होंने एक बात कही थी कि मृत्यु के बाद भी मैं हूँ और मृत्यु से पहले भी मैं हूँ। ऐसा ही कुछ प्रयागराज में बसने वाले ये घाट पुरोहित अपने आप को कह सकते हैं, क्योंकि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने आत्माओं को लीन कर वैकुंठ के पार ले जाने की बात कही थी, वैसे ही ये घाट पुरोहित प्रयागराज के संगम तट पर रहकर आत्माओं को वैकुंठ के पार ले जाने का कार्य करते हैं। कोरोना से मरने वाले मरीजों को जहां दाह संस्कार एक सामूहिक रूप से कर दिया जाता है, वहीं पे इन कर्मकांडों को कराने के बाद उस आत्मा को शांति देने का काम ये घाट पुरोहित कर रहे हैं। आज कोरोना के महामारी के बीच ये लोग जिस तरीके से इस कार्य को किए जा रहे हैं, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता किए बिना लोगों की आत्म शांति के लिए इस घाट पे पड़े हैं और यहाँ पर रहकर इन आत्माओं को बैकुंठ का रास्ता दिखा रहे हैं, ये अपने आप में प्रशंसनीय है। और इनके इस कर्म को आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से ये कर रहे हैं और इनको इसमें क्या लाभ है। ये कुछ बात पैसों की नहीं है, यहाँ बात है एक आत्मा की शांति, एक परिवार की खुशी और मन में आने वाले शांत विचारों की। मैं इंद्रजीत बैनर्जी, प्रयागराज। नमो नमः फूल चढ़ावा।
इसी के इसी के लिए तो लोग मर रहे हैं, भाग रहा है, दौड़ रहा है आदमी, खतरा उठा रहा है उसमें ना सब दूसरे में डाल रहा है। कपड़ा बर्तन सोन चांदी एक बार के लिए जल मारिए आत्मन्यम प्रत्याचमन दाहिने हाथ से आत्मन्य नमो नमः हाथ जोड़िए बोलिए पूज्य पिताजी आपके नाम से प्रयागराज में ओम गोविंदाय नमो नमः आपको पाठशाला हाथ दीजिएगा भैया सोली सर आगे ना आइए हाँ भैया अपनी ये खाओ बाबू ये खाओ बाबू बाबू खाओ ज़्यादा मौतें कोविड की वजह से हो रही हैं जिसके कारण यहाँ सामान्यता से 10 गुना ज़्यादा भीड़ हो रही है और हमारे सनातन धर्म के अनुसार अस्थि पूजन किए हुए उनको विसर्जन नहीं किया जा सकता। इस पूजन को कराने के लिए हम लोग सारे कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, सैनिटाइज़र का उपयोग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कर रहे हैं, बाल बनाने के लिए नाई लोग ग्लव्स लगा के जो है बाल बना रहे हैं। अपनी तरफ से हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस महामारी में जो हमसे हो सकता है वो योगदान दे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें। राज्य हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा मौतें MP और महाराष्ट्र से आ रहे हैं। यहाँ पे कोविड के मरीज ज़्यादा ख़त्म हो रहे हैं। आनंद इस समय पहले 400 से 500 लोग आते थे, इस समय 2 से 2500 प्रतिदिन आ रहे हैं और अगर हम लोग इनका कर्मकांड नहीं कराएंगे तो ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। आशुतोष भरद्वाज, सीताराम बुढ़ियादाई, लाल कटार। हाँ, यहाँ पे बहुत यात्री आए हैं आज भी, कम से कम हमारे ही सिर्फ अकेले के तखत पे 100 से ज़्यादा यात्री आ चुके हैं और अभी तक हम लोगों ने ठीक से उनका गाइडलाइन फॉलो करते हुए पूरा कोविड का ठीक से उनका सब कुछ फॉलो करते हुए क्रियाकर्म करवाया है और ना करवाएं तो ये कहाँ भटकेंगे बेचारे। बहुत मजबूरी पे हम लोगों को ये सब करवाया जा रहा है पर हम लोग ठीक से सबका काम करवा रहे हैं और सबको ठीक से विदा कर रहे हैं यहाँ से और सब कुछ फॉलो करके कि किसी को कोई दिक्कत ना आए। डेली 100 से ऊपर आ रहे हैं, डेली 100 से ज़्यादा ऊपर यात्री आ जा रहे हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है इस समय और ये लोग भी परेशान हैं, एकदम भटक रहे हैं तो किसी न किसी तरह से इन लोगों को कार्यक्रम करके पूरा कोविड गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इन लोगों को विदा किया जा रहा है ठीक से। नाम बता देते हैं, मेरा शुभ नाम अतुल पांडे, जिला से आया हूँ और यहाँ पर मेरे पिताजी का जो अंतिम क्रिया थी उसके लिए आए हैं प्रयागराज और यहाँ थोड़ा सा भीड़ भाड़ है क्योंकि थोड़ा अभी समय मृत्यु दर ज़्यादा बढ़ी हुई है, फिर भी इसका थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और सुरक्षा का ध्यान देके ही काम किए जा रहे हैं सारे और हमारे भाई वगैरह यही कार्य में लगे हुए हैं और बराबर दूरी वूरी बराबर मास्क वगैरह यूज कर रहे हैं लोग है? नाम मेरा नाम शशि कुमार सोनी।